नमस्कार, कैसे हैं आप सब। पाकिस्तान में संग्राम छिड़ा हुआ है और यदि कोई सामान्य बेला होता तो आज हमारे टेलीविजन चैनलों को भी पाकिस्तान पर अपने स्क्रीन, अपने फ्रेम सजाने के अलावा दूसरी कोई खबर नहीं होती। दिन रविवार का था, पाकिस्तान में तो सरकारी वर्किंग डे था, लेकिन पूरे पाकिस्तान में हंगामा बरपा है। लाहौर, रावलपिंडी समेत कई शहरों में थानों को कब्जा कर लिया गया है। आलम ऐसा है कि पूरा पाकिस्तान जलता हुआ नजर आ रहा है। तो समझना इस बात को लेकर के जरूरी है कि आखिर पाकिस्तान में ये हो क्या रहा है और इसके मायने क्या हैं। भारत की नजर इस पर क्यों है, ऐसे समय में भी जब विपदा की बेला है। कहते हैं ना कि ये वक्त भी निकल जाएगा। अब वक्त तो निश्चित रूप से ऐसा है कि ऐसी महामारी है दुनिया में, इस महामारी में भी हर किसी को अपना काम करना है। तो महामारी में पूरी दुनिया परेशान है, पाकिस्तान अपने ढंग से तहरीके लब्बैक कर रहा है। एक संगठन का नाम है वहां, तहरीके लब्बैक। और आप देख रहे होंगे कि स्वामी नरसिम्हानंद जी को महाराज के मौत के लिए कि को सर कलम धर सर से अलग, सर धर से अलग, इसके नारे लेकर के जो भारत में भी नारे लगाए जा रहे हैं, उसके साथ आपने सुना होगा कह रहे थे वो लब्बैक लब्बैक। मतलब वो कह रहे हैं कि हम अपने रसूल के रक्षक हैं, सिपाही हैं उसके, अपने पैगंबर इस्लाम के चौकीदार हैं। ये कहना है तहरीके लब्बैक का जो सुप्रीमो जो मारा गया, खादिम हुसैन रिजवी, ऐसा उसकी पार्टी का कहना है। वैसे सरकार तो कोरोना से उसकी मौत बता रही है। आख, इस पूरी चीजों को समझने के लिए हम भारत में जो क्या खुफिया, भारत की खुफिया नजर एजेंसियों की क्या जिम्मेदारी है, क्या काम कर रही है, क्या ऐसे समय में हर किसी की अपनी जिम्मेदारी है। और भारत के खैरातियों का, सरकारी जो पिस्सुओं का, जो पिस्सुओं की जो टीम है भारत में, जो बंगाल चुनाव को लेकर के परेशान है, उनका एजेंडा आपको दिख रहा है कि वो जितेंद्र जी कह रहे हैं ये पैगंबर है कौन। अब देखिए कि मुझे थोड़ी सी, मैंने रिसर्च करने और कुछ अपने खुफिया विभाग के पुराने साथी जो हैं आईबी के, उन सबसे जो बातचीत के आधार पे जो मैंने समझने की कोशिश की, दरअसल वो बताना ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी चीज हो रही है मनीष जी, और इंडियन मीडिया की कोई नजर ही नहीं है। तो हमने कहा कि आप लोगों की टीम, ऐसा क्या लग रहा है कि क्या हो रहा है। तो देखिए कि भारत की नजर तो निश्चित रूप से उस पे है। क्या यही सही समय है पाकिस्तान के लिए? और पाकिस्तान अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर में गुजर रहा है। पाकिस्तान क्या इसी विपदा काल में खंडित होने के दौर में गुजर रहा है? थोड़ा सा पहले इस चीज को समझ लीजिए कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, उसके बाद चीजें आपको एकदम से समझ जाएगा। पहले ब्रीफली थोड़ा समझ लेते हैं, जो साथी बहुत ज्यादा पाकिस्तान पे जिनकी नजर नहीं है, बिल्कुल आपको होना चाहिए। फ्रांस में आपको याद होगा कि एक टीचर की हत्या कर दी गई थी, सर धर से अलग धर सर से अलग, जो उस फ्रांस ने जिसने इन्हें शरण दिया था, उस फ्रांस ने जिसने इस इस्लामी आतंकवादियों को शरणार्थी मानकर के शरण दिया, वो फ्रांस जिसे भारत में बैठे लिबरल भी कहते थे कि यदि लिबरल होना हो कोई तो फ्रांस की तरह, यदि लिबरल कोई सेनापति कोई मुखिया हो तो फ्रांस के सत्ताधारी सैमुअल मैक्रो की तरह। अब दरअसल फ्रांस में एक टीचर जो थे उनकी हत्या कर दी गई, उनका जो है
सरधर से अलग कर दिया गया। तो फ्रांस को यह लगता था कि ये सब बस शांतिप्रिय समुदाय के हैं, इनको हम ये सीरिया वाले इधर उधर सबके सब जो ये घूम रहे हैं समुद्र के रास्ते इधर उधर भटक रहे हैं, तो इनको शरण देना चाहिए मानवता के नाते। तो जैसे मानवता के नाते बांग्लादेशियों को शरण दिया गया, जैसे रोहिंग्याओं को शरण देने की बात की गई, फिर जंगलों में उत्पात, दिल्ली में उत्पात, ये कहीं चोर बन करके कहीं डकैत बन करके उत्पात मचा रहे हैं, और उसके बाद यहाँ लिबरल गैंग, ये आपके समझ से परे हो जाएगा कि कैसे रोहिंग्या जो है कहां बांग म्यांमार और कहां जम्मू कश्मीर, तो भारत में कहां म्यांमार से घुसा अरुणाचल प्रदेश होते हुए कैसे 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 ये शरण उनको जम्मू कश्मीर में मिल गई, तब समझ में होगा। और जम्मू कश्मीर में भी नहीं, जम्मू में, तब समझ में आया होगा कि म्यांमार के इन जो शरणार्थी हैं इन्हें रोहिंग्या मुसलमान, इसको कितने षड्यंत्र के तहत जम्मू में बसाया गया, किसने बसाया, कैसे हुआ, ही उससे आप फ्रांस को समझ पाएंगे। दरअसल फ्रांस के लिब्रल होना, भारत के एक शांति प्रिय होना, भारत के चरित्र के मुताबिक कैसे भारत को इन लोगों ने घेरा कई सौ साल तक, ये टेररिस्टों ने जो बाहर से जो इस्लामिक टेररिस्ट आए उस दौर में उनने क्या किया, और आज पाकिस्तान उसी की परिणति है। पाकिस्तान वही है जहां पे आपकी कई शक्तिपीठ हैं जैसे बांग्लादेश में है, और आज हम मतलब हम ये मानने को तैयार हो जाते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र है, वो अंग है, वो देवभूमि है, वहां पे कई ऐसे हिस्से हैं जो बड़े षड्यंत्र के तहत अलग किए गए भारत से। कई बार आप जितना पढ़ता हूं नेहरू को उस दौर में, मौलाना आजाद को, उतना ज्यादा पता नहीं क्यों कंफ्यूज होता जाता हूं कि देश विभाजन का मतलब, खास करके बीच में जो अंबेडकर को पढ़ा, इन सब चीजों से ये समझ में आने लगता है। दरअसल पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से जबरदस्त हिंसा चल रहा है। कल रविवार को लाहौर के कुछ थानों को कब्जा कर लिया गया, कुछ सिपाहियों को कब्जा कर लिया गया, उनको बंधक बना लिया गया। वो ये कि तहरीके लबैक का जो मुखिया था, सरगना जो था, खादिम हुसैन रिजवी, वो मारा गया। 2017 में उसने एक राजनीतिक पार्टी भी बना ली और खादिम हुसैन रिजवी की पार्टी को प्रतिबंधित कर दिया पाकिस्तान की सरकार ने, इमरान सरकार ने, 1997 के जो आतंक विरोधी कानून पाकिस्तान में बने उसके तहत। लेकिन इस तहरीके लबैक को जो ये कहता है कि मोहम्मद के खिलाफ जो कुछ भी कोई बोलेगा उसको सर धर से अलग, धर सर से अलग करेंगे, तो ये इसके लिए सबसे ज्यादा बेचैन पाकिस्तान है। आपको कमाल की बात ये लगेगी कि जितनी इस्लामिक कट्टरता सऊदी अरब में नहीं है, उससे ज्यादा पाकिस्तान और भारत में हो चुका हुआ है। पाकिस्तान मतलब क्या, पाकिस्तान मतलब क्या, आप कायदे से इसे समझिए तो ये वही भूमि है ना, राम की पुण्य भूमि, कृष्ण की भूमि, कृष्ण का जो पूरा, जैसे कहते हैं ना कि राम की जो यात्रा है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ है और कृष्ण की यात्रा जो है पूरब से पश्चिम की तरफ है भारत में। तो आपको ये पूरा जो महाभारत कालीन क्षेत्र है वो मैक्सिमम आज उस एरिया में जो पाकिस्तान है, तो पूरी दुनिया में इस्लामिक कट्टरता आज की तारीख में जितनी आपको पाकिस्तान और भारत में मिलेगी उतनी कहीं नहीं है, ईरान में भी नहीं है, इराक में भी नहीं है, वो आपको सऊदी अरेबिया में भी, वो सब अब धीरे धीरे शांति की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जब पाकिस्तान बना तो इसने अपना आइडियल बनाया सऊदी अरब को, और वहां पर एक वर्ग पैदा हुआ जिसको, जिसने कहा कि भले ही हम मजहबी रूप से हम इस्लामिक कंट्री हैं लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम भारत के नजदीक हैं, हम सऊदी अरब के नजदीक नहीं है। ये बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे ऐसे विचारक हैं जो टेलीविजन चैनलों पर आपको रेगुलर दिखाई दे रहे होंगे। अब पाकिस्तान की जो कल खबरें आ रही थी उसमें पाया गया कि पेट्रोल पंप सब पे कब्जा कर लिया गया है। पेट्रोल पंप पे कब्जा का मतलब समझ रहे हैं एकदम से किस तरह के आतंकी, और ये इसी ढंग का, यहां पर जिस तरह से पेट्रोल पंप बनाने का केजरीवाल का जो पार्षद जिस ढंग से षड्यंत्र कर रहा था, आप समझेंगे कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, पाकिस्तान की जो तस्वीरें आ रही है, लाहौर में जो पत्थरबाजी की तस्वीर और दिल्ली में जो पत्थरबाजी की तस्वीर थी, आपको एक नजर आएगा। थोड़ा सा इस बात को समझिए, तहरीके लबैक फ्रांस में हुआ। फ्रांस में एक टीचर ने जब शार्ली एब्दो के कार्टून पे प्रतिक्रिया दी तो उसका सर धर से अलग कर दिया गया। पाकिस्तान, फ्रांस के शार्ली एब्दो के बाद दूसरी बार फ्रांस में घटना हुई। पाकिस्तान का फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर इस चीज को बहुत गंभीरता से लेने लगे।
और उन्होंने इस्लाम पर, कट्टर इस्लामिक चरित्र पर कुछ ठोस कानून बनाए, बुरका पर रोक, शिक्षा पर रोक, इस तरह के इस्लामिक शिक्षा पर रोक, बहुत तरह के कानून, सख्त कानून फ्रांस में बनाए गए। अब फ्रांस का जो राजदूत है पाकिस्तान में है, तो फ्रांस के ने जो इस्लाम के खिलाफ सख्ती अपनाए, जो आमतौर पर अभी तक भारत भी नहीं कर पा रहा है, इतना आतंकवाद जो है हर जगह होता दिखता है, मगर यहां पर तो एक 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 सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के नाम पर वोट बैंक की जो राजनीति होती है उससे अलग अलग हट करके चीजें भारत में होती रही। लेकिन आप यदि पूरे विश्व के सन देखो, फ्रांस के एक्शन पे सबसे ज्यादा रिएक्शन कहां हुआ? तुर्की में, पाकिस्तान में, जमीन पर पाकिस्तान में, सरकारी लेवल पे तुर्की में, और जमीन पर पाकिस्तान में, कुछ हद तक भारत में, भारत में भी भोपाल में हुए, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में फ्रांस में जो हुआ था उसके उसके एवज में रिएक्शन होने की कोशिश की, तो योगी ने समझा दिया कि ये थोड़ा सा औकात में रहना, तो लग सबके सब शांत हो गए। अब खादिम हुसैन रिजवी की पार्टी ने डिमांड किया कि फ्रांस का जो राजदूत पाकिस्तान में है उसे निकालो, और 20 अप्रैल तक का टारगेट दिया गया। 20 अप्रैल तक पाकिस्तान में जो फ्रांस का लीडर है, फ्रांस का जो राजदूत है, उसे कहा गया हटा देने के लिए, यहां से भगा दो इसको। ये एक बड़ा एक्शन होता है किसी सरकार का। यदि फैसला ले लिया आपने, आपने फ्रांस के राजदूत की सुरक्षा नहीं कर पाए, फ्रांस के दूतावास की सुरक्षा नहीं कर पाए, आप यदि फ्रांस के नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर पाए, तो इमरान सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। फ्रांस ने अपने नागरिकों को कहा कि आप पाकिस्तान छोड़ दीजिए, और पूरी तरह से फ्रांस की स्थिति बहुत, पाकिस्तान की स्थिति बहुत भयावह हो गई है। पाकिस्तान के इमरान खान ऐसे भी कटोरा खान के रूप में प्रचलित हो चुके हुए हैं, कुख्यात हो चुके हुए हैं कि इधर इधर का कर्ज लेते हैं, उधर देते हैं, उधर का कर्ज लेते हैं, इधर देते हैं। पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि इसी मौके को देखते हुए पाकिस्तान में जो अलग अलग धार्मिक संस्था है, आपको याद होगा कि फजलुर रहमान वहां पर एक धार्मिक संस्था चलाता है, पीछे उसने प्रोटेस्ट करे हुए थे। ये फजलुर रहमान की पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अध्यक्ष है फजलुर रहमान, जमीयत उलेमाए इस्लाम, उसने भी तरीके लबैक के साथ खड़ा हो गया है, और पूरी तरह से पाकिस्तान की सरकार पर एक प्रेशर बनाया जाने लगा है कि आप फ्रांस के राजदूत को यहां से भगाइए। ये सामान्य चीज नहीं है। फ्रांस के खिलाफ इस तरह से जाने का मतलब है कि आपने यूरोप के खिलाफ इस तरह से इस्लामिक ईसाई कंट्री के खिलाफ आपने बगावत छेड़ दिया। और सोचिए, ये बहुत गहरी बात है कि फ्रांस के खिलाफ ये विद्रोह जहां से इस्लाम आया है वहां नहीं हो रहा है। ये कहते हैं ना कि नया मुल्ला बहुत प्याज खाता है, तो ये नया जो हिंदू से बने हुए पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, ये सब में जो मुस्लिम है, अफगानिस्तान, यहां सब जो मुस्लिम है, वो सब कौन है? ये सब के सब पिछले 300-400 साल में जो कन्वर्टेड है वो है। लेकिन सबसे ज्यादा विरोध फ्रांस का कहां हो रहा है? पाकिस्तान में हो रहा है। हिंदुस्तान में सुबुगाहट करने की कोशिश की तो थोड़ा सा सेट कर दिया गया, पहले तो योगी आदित्यनाथ ने किया, बाद में मामा ने भी कह दिया कि औकात में रहना, यहां फ्रांस के लेकर के कूदियो मत, तो थोड़ा ठीक हो गए, वरना ये तरीके लबैक लेकर के यहां भी कर रहे थे। अब ये देखिए, डासना वाले जो महाराज हैं, स्वामी यतींद्र सिंहानंद महाराज, उनको लेकर के कहा गया कि ये तहरीके लबैक लबैक करके यहां पर भी नारे लगाए गए। अब तक पता नहीं कितने लोग अरेस्ट किए, नहीं पता, लेकिन ये चीजें समझिए कि वही तरीके, ये जो लबैक ये पहली बार मैं चार दिन पहले सुना कि लबैक लबैक क्या होता है? सड़कों पर एक मतलब उतार देंगे हम तुम्हारा गला, ये यही 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 मतलब ये मजहब है, मतलब ये सोच है, इसी सोच का वहां है। लेकिन माना जा रहा है, खुफिया टीम बता रही है कि पाकिस्तान में ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब भारत की जो दो संस्था है, ये कौन है? भारत में बरेलवी और देवबंदी जो मानने वाले हैं, देखिए यहां पर तो कहते हैं तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाही इल्लल्लाह। जब शाहीन साजिश करना था भारत के खिलाफ, तो यहां जब लेफ्टिस्टों ने, अब देखिए पाकिस्तान में लेफ्ट नहीं है, पाकिस्तान में लेफ्ट की औकात नहीं है और चाइना में इस्लाम की औकात नहीं है, लेकिन भारत में इन दोनों का जुगलबंदी चलता है। पाकिस्तान में लेफ्ट नहीं है, ईरान में लेफ्ट नहीं है, इराक में लेफ्ट नहीं है, सऊदी अरब में लेफ्ट नहीं है, और जहां लेफ्ट है वहां इस्लाम की औकात नहीं है, लेकिन भारत में यही दोनों समीकरण बना रहे हैं।
यही दोनों खेला कर रहे हैं, यही दोनों मिलकर के कर रहे हैं। अब इन चीजों को देखिए कि जो भारत की कुछ खुफिया विभाग की टीम जो मुझे जानकारी दे रही थी कि वहां पर रिटायर्ड कुछ खुफिया अधिकारी बता रहे हैं जो आंकड़े हैं पाकिस्तान के जो काम किया जाता है कि 65% वहां बरेलवी है, मतलब ये यहां के गए हुए लोग, क्योंकि तो पाकिस्तान की मांग तो यहीं के लोगों ने की जो यहां रह गए। मुस्लिम लीग को वोट देने वाले उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में लोग थे, कांग्रेस को वोट देने वाले पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में थे, वो पाकिस्तान बन गया। जो कांग्रेस को वोट दिया वो पाकिस्तान बन गया, और जहां मुस्लिम लीग वोट बढ़ा वो यहां रह गए वो लोग जिनने मुस्लिम लीग को जितवाया। अब देखिए कि बताया जा रहा है कि बरेलवी वहां पर 65% है और 35% देवबंदी। अब ये बरेलवी में ही ये तरीके लबैक वाला जो है ये सब सब बरेलवी है। खेल कहां से है? यहां से, हिंदुस्तान से है। तो ये समझ लीजिए कि इसका क्या मतलब है कि बरेलवी वहां 65%। वैसे इमरान खान के बारे में भी कहा जाता कि वो भी बरेलवी है, और बरेलवी जो है वो भी दो तरह के, फतवाए आलमगीर जो औरंगजेब को मानता है, और फतवाए रिजवी जो ये रिजवी है। दो तरह का हो गया, फतवाए औरंगजेब और फतवाए रिजवी जो ये अभी नए तरह का, ये बरेलवी में भी विभाजित हो गए। और ये कहते हैं तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाही अल्लाह। तो समझ लीजिए कि किस तरह से आपस में एक दूसरे को, वहां पे कौन चला गया बाबू साहब, या वहां पे कौन ऐसा, मतलब वहां पाकिस्तान तो इसीलिए मांगे थे ना कि हमें एक अलग इस्लामिक राष्ट्र चाहिए जिन्ना को, कि हिंदू और मुसलमान एक अलग अलग दो अलग अलग कौम है, ये अलग नहीं रह, एक साथ नहीं रह सकते। तो पाकिस्तान तो मांगा, तो जो मजहब के आधार पे देश बना हो, धार्मिक वो सांस्कृतिक विवाद में जो है अलग हो गया। जो पाकिस्तान मजहब के नाम पे बना वो पाकिस्तान भाषाई आधार पे टूट गया। अब वो पाकिस्तान जो उर्दू भाषी पाकिस्तान अपने आप को बनाया, उसमें भी अब ये बरेलवी आ गए, देवबंदी आ गए, अहमदिया आ गए, ये आपस में दूसरे के खून नोचने पे लगे हुए। तब ये समझ में आएगा कि यहां तेरा मेरा रिश्ता क्या, जो ये कई जिहादन, ये आरफा खानम जैसे जिहादन जो पत्रकारिता के नाम पे जो इस तरह का जो नारे चलवाती हैं, और एएमयू में जो इसके जो वीडियो आए थे कि भाई इस समय में जो है बाहर भले ही घर में कितना भी ये रहे लेकिन बाहर जब निकलो तो थोड़ा सा कूलर का अपना उसमें थोड़ा सा पुट डाल दिया करो, ये शाहीन साजिश के समय में किस कैसा कैसा खेला चल रहा था। और अभी कह रहे हैं कि अपने मंदिर बनाने के लिए सरकार दिया, अस्पताल के लिए तो दिया नहीं, तो अस्पताल कहां से आएगा? जैसे बाबूजी के राज के समय में इनका अस्पताल बहुत ज्यादा था। अब इस चीज को समझिए कि इन सब चीजों में बताया जा रहा है कि नजर पूरी तरह से ये इनका एम है किसी तरह से इमरान खान की सत्ता पे काबिज हो जाना। तो क्या पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वो यूं ही हो रहा है या बाहर से भी किसी की नजर है? पाकिस्तान में जिस ढंग से अभी इस विपदा के बेला में, जब दुनिया ऐसी विपदा में है, उस समय जो ये इस तरह के दंगे हो रहे हैं, और उस राज्य में, उस देश में जो एक मजहबी कट्टरता के नाम पर जो देश बना, उसमें कौन कौन से महाकट्टरता अब आ गए, मतलब किसी चीज की एक सीमा है या नहीं? ये देश विभाजित हुआ मजहब के आधार पर, अब तुम्हें मजहब के आधार पर अपना एक देश मिल गया, फिर भी शांति से रहने को तैयार नहीं, फिर भी वहां पे बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहमदिया हो, पता नहीं क्या क्या हो, उस आधार पे एक दूसरे को नोच खाने में लगे हुए। इतना ही उसके बाद पंजाबी अलग हो, पंजाबी के नाम पे कि भाई पंजाबी सत्ता पे काबिज किए हुए, ये अलग चरित्र है वहां। इन तमाम चीजों के लिए ये देखिए कि बंधक जो बनाए हुए हैं वहां पर, ये कौन सा अभी वहां पे किसी इस क्रिश्चियन को बनाया है या हिंदू को बनाया है या किसी सिख को बनाया है? तो अब ये नफरत किसके लिए है? अब ये टूट करके कहां जाना है? तो दरअसल उन्हें अभी कई खंडों में टूटना है, लेकिन चाइना ऐसा नहीं चाहता। क्या अमेरिका का ऐसा इंटरेस्ट है? पाकिस्तान में इंटरेस्ट किस चीज का है? पाकिस्तान में दरअसल इमरान खान को सबकी सत्ता बचाने का इंटरेस्ट चाइना को है। चाइना किसी भी तरह से इमरान के हाथ से सत्ता जाने नहीं देना चाहता, लेकिन इतना आसान नहीं है। इस तरीके लबैक के साथ जो आदमी अब खड़ा हो गया है वहां पर, वो है फजलुर रहमान, जिसका राजनीतिक संगठन बहुत मजबूत है। और ये फजलुर रहमान अब किसी भी हालत में इमरान के हाथ से सत्ता छीन लेना चाहता है। तो पाकिस्तान जिस गृह युद्ध में है, उस गृह युद्ध में क्या है? दरअसल पाकिस्तान जब से चाइना के बहुत क्लोज पहुंच गया,
और इस कोरोना काल में जिस तरह से अमेरिका और चाइना के बीच की दूरियां बजी है बड़ी है, और एक समय में पाकिस्तान का पालन पोषण अभी 4-5 साल पहले तक अमेरिका के हाथों था। पाकिस्तान एक ऐसा जगह है, एक ऐसा सेंटर पॉइंट है जो पेट्रोल वाले कंट्रियों को पर कंट्रोल करने के लिए, या फिर बगल में जो अफगानिस्तान है जिस पर रसिया की नजर है, चाइना की नजर है, ये सबके सब जो बेसिकली तेल वाली कंट्री तक पहुंचने का जो एक अड्डा है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का इंटरेस्ट हर कोई हर किसी में है। इसीलिए पाकिस्तान में गृह युद्ध करवाना, आतंकवाद करवाना, उन्हें हथियार सप्लाई करना, उन्हें कर्जे का लोभ देना, इन सब का इंटरेस्ट इसमें जगा हुआ है। तो क्या कहीं ना कहीं से इस तहरीके लब्बैक को भी साथ मिला हुआ है? कहीं ना कहीं से खेला इस रूप में भी है कि तहरीके लब्बैक को खड़ा किया जा रहा है। इन तमाम चीजों पर भारत क्या चुप्पी लगाए हुए होगा? विपदा तो बहुत बड़ी है, भारत खुद कोरोना से फाइट कर रहा है, मानवीय दुनिया एक अलग ढंग की त्रासदी में है, लेकिन इन सब में भी सब कुछ हो रहा है। बंगाल में जब पूरी दुनिया और पूरे देश में कोरोना काल है, तो लेफ्ट लिबरल गिरोह की नजर में बंगाल का चुनाव है, उन्हें महाराष्ट्र की विपदा नहीं दिख रही है, उन्हें ये नहीं दिख रहा कि महाराष्ट्र में कितना बड़ा पाप हुआ है कि वहां का गृह मंत्री वसूली में लगा हुआ था और राज्य को छोड़ दिया कोरोना ने। लेकिन चिंता वहां की, एक अच्छा है इंटरव्यू, मैंने खंड खंड में देखा है नबिका कुमार के साथ गृह मंत्री का, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि इन खैरातियों से, खैराती शब्द मैं यूज कर रहा हूं, उन्होंने दूसरा शब्द यूज किया था, क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए क्या? उन्होंने बहुत अच्छा पूछा है कि दो ही विकल्प है, या तो बंगाल में चुनाव रोक करके राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, या बंगाल में चुनाव करा दिया जाए। अब जो ये चिरकुटों की टोली कह रही है कि चुनाव चुनाव चुनाव, इस प्रधानमंत्री को चुनाव के अलावा कुछ नहीं दिखता, इस गृह मंत्री को चुनाव के अलावा कुछ नहीं दिखता, तो एक चीज दिखता है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, क्योंकि बंगाल में ममता की सरकार तो रह नहीं सकती, क्योंकि 5 साल की अवधि पूरी हो गई है। तो क्या राष्ट्रपति शासन लागू करवाना चाहते हैं चिरकुट? यदि गृह मंत्री ने कहा कि यदि हम राष्ट्रपति शासन लागू करवा दें तो क्या होगा? तो दरअसल हर किसी के अपने अपने हिस्से के खेल हैं, इसको समझने की जरूरत है। इन सब के बीच पाकिस्तान हमारे लिए अहमियत क्या है? हमने आपको बताने की कोशिश की कि ये धार्मिक पार्टी जो तहरीके लब्बैक है, ये दरअसल अब पॉलिटिकल पार्टी भी बन गया। 18 साल के एक लड़के राहुल गांधी की तरह, जैसे कि सरकार, मतलब कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष वही बनेगा, यदि सरकार बन गई तो प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी बनेगा, यदि राहुल गांधी अब किसी धरण से कुछ अयोग्य हो गए तो, राहुल गांधी यदि अयोग्य हो गए तो उसके जगह पे प्रियंका वाड्रा का बेटा बन जाएगा, कौन रेहान क्या है ऐसा कुछ है वो बन जाएगा। तो इस चीज को समझिए, उसी ढंग से तहरीके जो लब्बैक है उसका खादी हुसैन रिजवी का 18 साल के बेटा को बना दिया गया है पार्टी का अध्यक्ष। अब वो इस चीज को चला रहा है, लेकिन उस पर कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में जो इस्लामिक कट्टरता है, सरकार को भी जब आप जहर पालते हैं ना, जब आप राक्षस पालते हैं, तो आप सबसे ज्यादा आप ही गिरते हैं। पाकिस्तान दरअसल भारत के लिए भी संदेश है। पाकिस्तान में तहरीके लब्बैक लब्बैक, सरधर से अलग धरसिर से अलग, ये जो केजरी का जो एक विधायक ने भी ये एक फरमान जारी किया था कि यदि एक इस्लामिक भारत में यदि शरिया कानून होता तो क्या होता, इन सब को पाकिस्तान की तरफ नजर दिखाना चाहिए कि यही शरिया कानून चाहिए था ना तुम्हें जो वहां पे हो रहा है। मतलब तुम इस्लाम के नाम पे अलग राष्ट्र बन गए, भारत को टुकड़े कर दिए, ये कैसी आजादी हमें मिली कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक चला गया, लाहौर हमारे पास से चला गया, कराची चला गया, कई सारी देव भूमि चली गई हमारी जो आज उस हिस्से में है, वहां पे तहरीके लब्बैक हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, बड़े पैमाने पे आपने खात्मा कर दिया। जो जोगिंदर नाथ मंडल जिन दलितों को लेकर के पाकिस्तान चला गया, वो तमाम दलित जो है वो भाग करके भारत आ गए, या तो या फिर धर्मांतरित हो गए, और क्या सपना वैसा है? या फिर पाकिस्तान में जो हो रहा है उसमें भारत की पैनी नजर है, या फिर थोड़ी सी माचिस भी है? इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का खंडित होना बहुत जरूरी है, पाकिस्तान का टूटना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान, कई बार मुझे लगता था कि नहीं, पाकिस्तान के साथ मतलब अपने ढंग से जितना स्ट्रांग रहे, पाकिस्तान जितना लचर रहेगा, जितना कमजोर रहेगा, आप यदि जो कोई भी जिन किसी को भी 90 के दशक या 80 की आखिर का क्रिकेट मैच सब याद आता होगा, तो आपको लगता होगा उस समय पाकिस्तान हॉकी में भी हमसे बेहतर था, पाकिस्तान हमसे क्रिकेट में भी बेहतर हुआ करता था। तो इस उस समय मुझे लगता है कि उस समय पाकिस्तान परस्ती ज्यादा थी बनिस्पत आज के। आज लोग
उस समय तो लोग खुल करके बोल देते थे कि हाँ मेरा एक दोस्त जो है क्लासमेट था, मैंने जीवन भर उससे बात करना बंद कर दिया। भारत और पाकिस्तान एक क्रिकेट का विश्व कप चल रहा था मुझे याद है ऐसा कुछ, और उसमें उसने ऐसा कह दिया कि कल भारत हार जाएगा, और भारत हार गया अगले दिन क्योंकि एक से दिन पहले पाकिस्तान हार चुका हुआ था। तो ये चीजें बताती है कि वो खुल करके था उस दौर में, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट दूसरे चीजों में नहीं, क्रिकेट में हॉकी में आपसे बेहतर था उस समय। तो उनको जब उम्मीद लगती है, जो पाकिस्तान परस्त लोग यहां बैठे हुए हैं, नमक हरामों की टीम, जब पाकिस्तान कमजोर होता है तो चुप हो जाते हैं, और पाकिस्तान जब मजबूत होने लगता है तो उन्हें कुछ गुदगुदी होने लगती है कुछ इस तरह की। इसीलिए मुझे इस बात को हम सबको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उससे भारत अपनी नजर नहीं हटा सकता। ठीक है बहुत सारी प्राकृतिक विपदाएं हैं, लेकिन कहते हैं ना कि ये वक्त भी निकल जाएगा। एक पीढ़ी इस देश के लिए चिंता कभी जिन्ना और नेहरू की पीढ़ी क्या करती थी, आज वो नहीं है। उसके बाद की पीढ़ी हर ढंग से धीरे धीरे अलग अलग खंड में करती रही, इसी ढंग से आज की जो पीढ़ी है, आज के जो हालात हैं, उसमें पाकिस्तान पे भारत की नजर पैनी है। ये जो एक धार्मिक कट्टरता का आधार पर जो देश बना, उस देश में जिस ढंग से आपस में ही मार काट मची हुई है, पुलिस थानों पर कब्जा, पेट्रोल पंप समझिए पेट्रोल पंपों पे कब्जा कर लिया गया, और पेट्रोल पंप से पेट्रोल निकाल लिया गया, ट्रक के ट्रक जो है कैन निकाल निकाल करके लोग पेट्रोल ले लेकर के भाग रहे हैं, क्यों, ताकि पेट्रोल बम बनाया जा सके, जैसे शाहीन साजिश के लिए यहाँ पर केजरीवाल के पार्षद ने किया था। तो ये किसका मतलब ये है कि पेट्रोल पंपों से जो पेट्रोल निकाल निकाल करके वहां जो लोग भागे हैं, ये खतरनाक मोड अभी आना है। और इमरान जैसे जैसी जब जो नैतिक रूप से कमजोर प्राइम मिनिस्टर इससे कितना बचा पाएगा ये मुश्किल है। तो ये बताया जा रहा है कि जमात ये अलग अलग जो अभी जो पाकिस्तान में जो अलग अलग धार्मिक संगठन है उन सबको एक होने का मौका मिल गया है। और इतना ही नहीं है, वहां का जो बताया जा रहा है कि वहां जो बाजवा है वो बसत दरअसल देवबंदी है, जो पाकिस्तान का सेना प्रमुख है, और बरेलवी नहीं चाहते कि कोई बाजवा कोई जो एक देवबंदी जो है उसके सत्ता पे काबिज हो। और ध्यान रखिएगा ये देवबंदी और बरेलवी दोनों भारत से गए हुए, और इसका जो अड्डा है, इसका थिंक टैंक जो है यहीं से है। इसीलिए इन तमाम चीजों को समझना पड़ेगा इसका असर क्या होता है। फिर ये सोचिएगा कि फ्रांस में कुछ भी फ्रांस में हो रहा है तो जल पाकिस्तान क्यों रहा है, मर अपने आप में पाकिस्तान बर्बाद। तो ये चरित्र है, ये चरित्र है। यदि इस चीज से नहीं बच पाएंगे, फ्रांस ने अपने नागरिकों को तो वहां से हटा दिया, और यदि पाकिस्तान एक बार कह दे अपने दूतावास को भी हटा देगा, इससे क्षति किसकी होगी। तो पाकिस्तान खुद अपनी बर्बादी के लिए तैयार है, और पाकिस्तान का ये बर्बादी होना बहुत जरूरी है। किसी राजनीतिक संघ ये अलग अलग खंडों में उसका टूट जाना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि पैनी नजर दुनिया के अलग अलग हिस्सों की है, आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। ये विश्लेषण मुझे लग रहा था कि ये होना बहुत जरूरी है था, क्योंकि इस पे कहीं चर्चा नहीं हो रही है। एक चीज आपको बताऊं कि आज 4 बजे आपके साथ लाइव होंगे जयपुर डायलॉग वाले संजय दीक्षित जी, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं संजय जी, और संजय जी का जयपुर डायलॉग आप लोग देखते होंगे, बहुत बेहतर कर रहे हैं वो। तो हमारे साथ आज 2 बजे 4 बजे सॉरी 4 बजे जो है संजय जी होंगे जयपुर डायलॉग वाले, उनसे हम बंगाल पे उनके बतौर एक आईएएस के रूप में और इस तरह के पुराना जो उनका अनुभव है उससे समझने की कोशिश करेंगे। और 6 बजे आपके साथ भाव तोड़ शेयर कर होंगे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इस पूरे प्रकरण में जो मैंने कल विश्लेषण किया आप लोगों ने बड़े पैमाने पे देखा है, भाव की नजर से समझना जरूरी है कि क्या बंगाल और में जो कुछ भी हो रहा है और महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है, ये तमाम एक बड़े एजेंडे के तहत है। तो अपना समय सुरक्षित रखिएगा, 6 बजे आपके साथ होंगे भाव तोड़सिरकर, और शाम 4 बजे होंगे संजय दीक्षित जी। तो दोनों विश्लेषण आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा, और अपने सवाल आप जो हैं वो तैयार रखिएगा संजय जी के साथ भी और भाव तोड़सिरकर सर के साथ भी। उन दोनों अनुभवों का हम लाभ उठाएंगे, ताकि हम ये कोशिश हम लोग ये कर रहे हैं कि आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ करके इन चीजों को, ये जो षड्यंत्र चल रहा है खास करके इस लुटियन मीडिया का भी इतने लचर हालात में भी, उस खेल को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो 4 बजे मिलते हैं संजय जी के साथ और 6 बजे भाव के साथ। बहुत बहुत आभार आप सबका। मुझे लगता है कि पीत पत्रकारिता वाले चैनल मत देखो, बिल्कुल इसे बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। मैंने तो लगातार आप लोगों से कहा था कि इस चीज को लेकर के कि देखना बंद कर दीजिए। अब
जब तक आप इन सब चीजों पे कंट्रोल अपना, क्योंकि ये मूड खराब करने वाले हैं और आपकी स्थिति आपको जो है इस रूप में परेशान करेंगे। नियति, अपने अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश कीजिए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान हम सबको देना चाहिए, और बहुत कुछ है तो वो तो ऊपर वाले के हाथ में, फिर भी अपने ढंग से प्रयास तो निश्चित रूप से करना चाहिए। तो तय सी बात है, इसीलिए मैं उन विश्लेषणों को समझने के लिए पाकिस्तान वाले इश्यू को इसीलिए लाया कि दीन दुनिया की चीजों को भी हम समझ सकें, और हम समझ सकें कि ये जो पूरी राजनीति हो रही है ये सामान्य नहीं है, ये बंगाल चुनाव पर जो एक षड्यंत्र हो रहा है ये सामान्य नहीं है, इसे ही हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इस्लाम और लेफ्ट एक दूसरे के पूरक हैं, इसीलिए समझना पड़ेगा, विदित जी आपने सही कहा है, और इसीलिए हम सबको समझना पड़ेगा कि फिर पाकिस्तान में जो इस्लाम है तो वहां वामपंथ क्यों नहीं है, और चाइना में जहां वामपंथ है वहां इस्लाम इतने बुरे दौर में क्यों है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।